मार्वल स्टूडियोज फिर से डी ट्वेंटी थ्री के पैनल पे वापस आ रहा है जहाँ फैंस के लिए बहुत सारी एक्साइटिंग डिटेल्स अनाउंस होने वाली है डिजनी का ये कन्वेंशन फैंस को न्यू प्रोजेक्ट्स के बारे में जानने का मौका देता है चाहे वो टीवी शोज हो मूवीज हो वर्ल्ड वाइड थीम पार्क हो या फिर मार्वल सिनेमेटिक यूनिवर्स की बात हो अब डी ट्वेंटी थ्री एक्सपो कैसे देख सकते हैं क्या क्या अनाउंसमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हर पैनल के शेड्यूल का फुल अपडेट क्या है वही सब बताऊंगा मैं इस वीडियो में हाई सुपर फैंस आई एम स्वप्निल एंड इस वीडियो में मैं बताऊंगा मार्बल के डी ट्वेंटी थ्री पैनल का शेड्यूल एंड एक्सपेक्टेशन सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन द वीडियो इस साल का इवेंट कैलिफोर्निया में फ्राइडे नाइन्थ ऑगस्ट से संडे इलेवेंथ ऑगस्ट तक होगा जिसमें मार्वल कंटेंट पे डेडिकेटेड बहुत सारे पैनल्स होने वाले है नाइन्थ ऑगस्ट को फर्स्ट है म्यूजिक ऑफ मार्वल स्टूडियोज ये पैनल फैंस को मौका देगा मार्वल स्टूडियोज के म्यूजिक वर्ल्ड की कुछ बड़ी हस्तियों से मिलने का यहाँ काफी सारे फेमस म्यूजिक कंपोजर्स प्रेजेंट होंगे बट आई नो इस न्यूज में आपका कोई इंटरेस्ट नहीं होगा तो इसे शॉर्ट में खत्म करता हूँ सेकंड इज डिज्नी एंटरटेनमेंट शो के फ्राइडे नाइट को होने वाले इस पैनल में डिज्नी बड़ी अनाउंसमेंट कर सकता है

फोर कॉमिक से इंस्पायर्ड है जिसमें व्हाइट और ब्लू कलर्स यूज किए गए थे इस टीजर के एंड में फैंटेस्टिक फोर की टीम शिप से निकल जाती है जहाँ पे लोगो रिबल होता है। एंड फाइनली हमें दिखाई देती है दो आंखें जो है गैलेक्टस की थर्ड प्रोजेक्ट में कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में रेड हेल्क का फुल ट्रांसफॉर्मेशन रिवील किया गया इससे पहले सेंडी कॉमिक कॉन में भी ये दिखाया गया था और यहाँ पे इसका कंप्लीट लुक देखने मिल रहा है फुटेज में प्रेसिडेंट रॉस को रेड हेल्प में ट्रांसफॉर्म होते हुए दिखाया गया व्हाइट हाउस के सामने प्रेसिडेंशियल लेक्टर्न के पीछे अब हैरिसन फोर्ट का रेड हेल्क मार्क रफेलो के ग्रीन हल्क जैसा ही लग रहा है जैसे द एवेंजर्स ऑफ एज ऑफ अल्ट्रॉन में उसे दिखाया गया था ऑफकोर्स इसका कलर रेड है लेकिन साइज एंड स्ट्रेंथ में ये एमसीयू के हल्क के जैसा ही

फिफ्थ प्रोजेक्ट वॉज एग था का ट्रेलर जो ऑलरेडी यूट्यूब पे रिलीज हो चुका है इसका ब्रेक कर कर डाउन करने की जरूरत भी है या नहीं पार्ट इसमें मार्बल का ऑन द फ्लोर एक्सपीरियंस में टीवी फ्रंट डेस्क का एक रेप्लेगा

ऑन टू टेंथ ऑगस्ट फर्स्ट इज मार्बल एनिमेशन का स्नीक स्निक इसमें हमें डिजनी प्लस पे एनिमेशन की तरफ से क्या क्या न्यू आने वाला है उसकी डिटेल्स पता चलेंगी इस पैनल में फैंस को न्यू ट्रेलर फुटेजेस और अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के स्नीक पिक देखने मिलेंगे यहाँ मार्बल स्टूडियोज के एनिमेटेड प्रोजेक्ट पर फोकस होगा जिसमे नई सीरीज जैसे योर फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन और आईज ऑफ वकंडा के फर्स्ट लुक मिल सकते हैं ऑल्सो ऑलरेडीब्लिश टाइटल जैसे की वॉट इफ सीजन थ्री और एक्समैन सेवन के फ्यूचर सीजन की अपडेट भी मिलेंगी अब ये सभी प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी हम पास में सुनते आ रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ न्यू प्रोजेक्ट जैसे कि की मार्बल जो भी की जाए टेंथस्ट को सेकंड पैनल है मार्बल कॉमिक्स का जहाँ सेन स्पेशल देखने मिलेगा अब ये पैनल वुलव्वरीन के कुछ आइकोनिक मोमेंट्स को सेलिब्रेट करेगा एंड अगेन कॉमिक्स पे बेस्ड होने की वजह से मुझे नहीं लगता की एम फैंस को इसमें इंटरेस्ट होगा तो आगे बढ़ते हैं इसी दिन का थर्ड पैनल है डिजनी एक्सपीरियंस शोकेस अगेन ये रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड पैनल है जिसमें डिज्नी के

इलेवेंथ ऑग को जो लास्ट डे है इस इवेंट का उसमें फर्स्ट पैनल हमें देखने मिलेगा मार्वल स्टूडियो का विजुअल डेवलपमेंट यहाँ पर कंसेप्ट आर्टिस्ट फैंस को बताएंगे की विजुअल डेवलपमेंट आखिर क्या है ये स्क्रीन पर कैसे ट्रांसलेट होता है और एमसीयू को डिजाइन करने में क्या क्या होता है मतलब बिहाइंड द सीन्स की बहुत सारी डिटेल अब इस पैनल में विजुअल लैंग्वेज यानी कि टेक्निकल बहुत सारी डिटेल्स होंगी साथ ही में एमसीयू के कुछ आइकॉनिक हीरोज विलन और इन यूनिवर्स मोमेंट्स के कंसेप्ट डिजाइन को भी दिखाया जा सकता है नेक्स्ट इज एन इमर्स आपको याद ही होगा की एप्पल विजन प्रो के लिए का एक स्पेशल किया गया था, था जिसका नाम था Immersive Story. And ये पैनल फैंस को को के के पीछे की के प्रोसेस को दिखाएगा. में 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 छोटा सा टीज हो सकता है कि Marvel में में क्या क्या करने वाला है एंड थर्ड और इस एक्सपो के क्लोजिंग पैनल के रूप में दिखेगा डिजनी लेजेंड्स अवार्ड बेसिकली वो अवार्ड है जहाँ सेलिब्रिटीज डिजनी लेजेंड्स बन जाते हैं और इस बार डिजनी लेजें में जिन सेलिब्रिटीज को नॉमिनेट किया गया है उनमें आते हैं जॉन विलियम्स विलियम्सन फोर्ट जेम्स कैमरून माइली साइरस एंड स्टीव बट इसी के साथ तीन दिन का ये एक्सपो खत्म होगा फर्स्ट क्वेश्चन इज की हम ये इवेंट कैसे देख सकते हैं डी ट्वेंटी के सारे पैनल्स होंगे कैलिफोर्निया में एंड अभी तक इनको डायरेक्ट ऑनलाइन ब्रॉडकास्ट करने का कोई प्लान नहीं है क्योंकि इसमें से बहुत सारे पैनल्स एक्सक्लूसिवली होंगे अटेंडीज के लिए बाय द वे जिसकी मिनिमम टिकट है 297 डॉलर्स सेवन में

अगर वीडियो एंड तक देख रहे हो तो लाइक भी कर देना क्योंकि वो बिल्कुल फ्री है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में